हेलो एवरीवन, क्लास टेंथ साइंस के बैच में आप सभी का स्वागत है। क्लास टेंथ साइंस में फिजिक्स के अंतर्गत हम आप लोगों को कई सारी जानकारी दे रहे हैं, जिसमें हमने आपको लाइट चैप्टर के बारे में बताया और रिफ्लेक्शंस के बारे में आपको पूरा कॉन्सेप्ट हमने दिया। लास्ट टर्म पर हमने आपको रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। हमने कहा था कि जब लाइट एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ या तो बेंट कर जाती है या नॉर्मल से दूर भाग जाती है। यानी कि लाइट रेस का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर अपने पाथ से डेविएट होना ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। इसके अंतर्गत हमने आपको दो लॉ भी दिए थे। हमने कहा था कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, नॉर्मल है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ऑल आर लाइज ऑन द सेम प्लेन, सभी एक ही प्लेन पर आएंगे। और इसके साथ ही हमने आपको एक बात चीज कही थी कि जो साइन आई है और साइन आर है, इसका जो रेशियो है वह कांस्टेंट होता है और इस कांस्टेंट रेशियो को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कुछ किताबों में इसे म्यू से लिखते हैं और कुछ किताबों में इसे एन से भी लिखा गया है। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंतर्गत आपके दो लॉ थे, जिसमें जो पहला लॉ था कि सारे इंसिडेंट रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वो सारे लाई ऑन द सेम प्लेन। एंड जो सेकेंड लॉ था, द साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, that constant is known as refractive index and this law is known as Snell law। यहाँ तक कि हमने आपको जानकारी last term पर last video में बताई थी। आज हम आपको refractive index के बारे में और भी कई जानकारी देने जा रहे हैं और इसके कुछ नए नए फार्मूलों के बारे में भी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए अगर आपका यह एक मीडियम है, यह मीडियम वन है और यह मीडियम टू। लाइट रे पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है। जो आपकी यह लाइट रे है, यह एक मीडियम से क्या हो रही है, दूसरे मीडियम की तरफ आ रही है। और जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ आती है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। यही आपका रिफ्रैक्शन फिनोमेना है। अब इसके अंतर्गत जो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला, जो म्यू निकाला ना, वो मीडियम एक से लाइट रे मीडियम टू में आई तो इसे हम लोग लिखेंगे वन म्यू टू, या एन लिखते हैं तो वन एन टू। बस समझ में आ रही है? अगर लाइट रे दूसरे से पहले मीडियम में जाती तो टू एन वन लिखते या टू म्यू वन लिखते। क्योंकि लाइट रे पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है इसलिए हम लिखेंगे वन म्यू टू। और यह जो वैल्यू है इसे हम लोगों ने देखा है कि अगर पहले से दूसरे मीडियम में लाइट रे आ रही है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम के इक्वल होती। कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप किसी दो मीडियम के बीच का निकालते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उन दोनों मीडियम में लाइट के ट्रेवल की वेलोसिटी का रेशियो होता है। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम इज अ रेशियो ऑफ लाइट ट्रेवलिंग बाय टू मीडियम। क्लियर है? कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर मान लीजिए यह एयर होता और यह आपका वाटर होता, क्या होता, एयर होता और वाटर होता, तो एयर और वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है वो ए म्यू डब्ल्यू हो जाता है। ए म्यू डब्ल्यू की जो वैल्यू है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, सॉरी ऊपर एयर है, एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। बात क्लियर है? यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन्हीं दो मीडियम का उन दोनों मीडियम के अंदर ही लाइट के ट्रेवल होने की वेलोसिटी का रेशियो होता है। यहां से आप एक नई चीज जाने कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो साइन आई अपॉन साइन आर के तो बराबर होता ही होता है, लेकिन एक और खास चीज है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वह उन दोनों ही मीडियम में लाइट के ट्रेवल के रेशियो के भी बराबर।
बात क्लियर हो गई। तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई अपॉन साइन आर को भी कहते हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंतर्गत उन दोनों ही मीडियम के लाइट ट्रेवल की वेलोसिटी का रेशियो भी आता है। अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं, और भी कुछ फार्मूले को डिराइव करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यह आपका एयर है, एयर से आपकी लाइट किसमें गई, वाटर में गई, और वाटर से यह लाइट वापस एयर में आई। हम दो मीडियम लेके चलते हैं, एयर वाटर एंड वाटर। एयर जो है, एयर से लाइट आई, क्या होगी, नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी बेंट हो जाएगी, और वाटर से वापस जब एयर में जाएगी तो फिर वो जैसे आई थी वैसे ही ओपन हो जाएगी। जब हम लोग एयर से वाटर में लाइट भेजे तो ए म्यू डब्लू की जो वैल्यू रही एयर से वाटर में, वो एयर में वेलोसिटी अपान वाटर में वेलोसिटी के क्या हुई, बराबर हो गई, ठीक। और जब W से एयर में तो हमने इसका भी फार्मूला लिखा W म्यू ए, यह क्या हो गई, वाटर में वेलोसिटी, भाई W ऊपर है तो वाटर में वेलोसिटी अपान एयर में वेलोसिटी, ये इक्वेशन वन हो गया, ये इक्वेशन टू हो गया। इन दोनों ही इक्वेशन का आपस में हमने क्या कराया, मल्टीप्लीकेशन कराया। जब मल्टीप्लीकेशन कराया तो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड में ए म्यू डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू म्यू ए, और राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड में एयर की वेलोसिटी अपॉन वाटर की वेलोसिटी इंटू वाटर की वेलोसिटी अपॉन एयर की वेलोसिटी, लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई। तो एयर की वेलोसिटी में से हमने एयर की वेलोसिटी को क्या कर दिया, भाई दोनों सेम है, दोनों मीडियम में लाइट की वेलोसिटी सेम ही होगी, और वाटर की वेलोसिटी में से वाटर की वेलोसिटी काट दिया। तो अब आपका बचा क्या, ध्यान दीजिए, आपका बचा क्या, ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू ए, ये सारा कैंसिल होकर के रिजल्ट आ गया वन। यानी कि अगर हम इसको उधर भेजे तो ए म्यू डब्ल्यू इक्वल टू वन अपॉन डब्ल्यू म्यू ए, ये आपका नया फार्मूला डिराइव हुआ। यानी कि कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर वन म्यू टू की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो वन अपॉन टू म्यू वन लिख सकते हैं, फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू वन अपॉन सेकेंड मीडियम के रिस्पेक्ट में फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बस क्लियर है। यानी कि अगर हम कहें कि किसी मीडियम में वन म्यू टू में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू बाई थ्री है तो दूसरे के लिए इसके रिवर्स के लिए क्या होगा, अगर मैं टू म्यू वन की वैल्यू अगर आपसे एग्जाम में पूछूं, वन म्यू टू की वैल्यू आपको टू बाई थ्री दिया रहा हूं और टू म्यू वन की वैल्यू पूछूं तो आप इसको उल्टा तुरंत रिवर्स कर दोगे, कहोगे थ्री बाई टू। बात समझ में आ रही, यानी कि ए म्यू डब्ल्यू जो होता है वो डब्ल्यू म्यू ए के बराबर होता है, फर्स्ट मीडियम म्यू सेकेंड मीडियम इक्वल टू वन अपॉन सेकेंड मीडियम म्यू फर्स्ट मीडियम, बात क्लियर है। तो यह आपके दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में रिलेशन आता है जो कि हमने आपको बताया हुआ है, बात क्लियर है। अच्छा, कभी कभी जैसे हमने अभी दो के बीच में रिलेशन बताया, आपके एग्जाम में तीन के बीच में भी रिलेशन कुछ यूपी बोर्ड की किताब में आपको दिया गया है, तो उसको भी एक बार ध्यान से आप देख लेंगे, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई। बात समझ में आ रही, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो कॉन्सेप्ट है वह आपका क्लियर हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो अलग अलग मीडियम में लाइट की ट्रेवलिंग की वेलोसिटी का रेशियो होता है, और यह दोनों रेशियो अगर एयर म्यू वाटर की वैल्यू 2/3 है तो वाटर म्यू एयर की वैल्यू 3/2 होगी, ठीक उसका रिवर्स हो जाती है, बात क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं लेंस की, बात समझ में आ गई। लेंस आपके कोर्स में लेंस के अंतर्गत स्फेरिकल लेंस के बारे में जानकारी दी गई, आपसे लेंस के बारे में पूछा गया, और आप जानते हैं जैसे मिरर दो तरीके के होते हैं वैसे ही आपके लेंस भी दो तरीके के होंगे, एक को कहेंगे कॉनकेव लेंस और एक को कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस।
तो सबसे पहले हमको जान लेना चाहिए व्हाट इज लेंस। लेंस क्या होता है? द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच वन सरफेस बी कर्विकल, दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज लेंस। लेंस एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका एक सरफेस क्या होना चाहिए? कर्व होना चाहिए, वक्राकार होना चाहिए, कर्विकल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मिरर के केस में हमने बताया था कि एक कांच का हालो स्फीयर लेते हैं, खोखला गोला लेते हैं, उसको कट करते हैं, हमने उसको काटा, मान लीजिए एक काटा तो यह हिस्सा निकला और दूसरा वाला काटा तो यह हिस्सा निकला। इन दोनों जो हिस्से हैं इन दोनों को जब एक साथ जोड़ दिया ऐसे, और एक साथ जोड़ दिया उल्टा करके जोड़ दिया तो ऐसे, यह वाला हिस्सा आपका कॉन्वेक्स लेंस कहलाता है और यह वाला हिस्सा आपका कॉनकेव लेंस कहलाता है। बात समझ आ रही? एक आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, एक आपका कॉनकेव लेंस होता है। तो लेंस के अंतर्गत आप ये जान लीजिए कि लेंस आपका वह रीजन है, वह आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका एक सरफेस क्या होता है? कर्विकल होता है। और यह जो इंस्ट्रूमेंट है यह रिफ्रेक्शन के फिनामिना पर काम करता है। मिरर रिफ्लेक्शन के फिनामिना पर काम करता था और यह आपका रिफ्रेक्शन के फिनामिना पर काम करता है।